बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 63,309 नए केस सामने आ चुके हैं। बुधवार को कोरोना से 985 लोगों की मौत हो गई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हुई। तमाम सख्तियों के बीच भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोग लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो बाजार हो चाहे मंडियां हो। हर तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र से देखने को मिल रही हैं। और महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 1 मई से महाराष्ट्र में शुरू नहीं होगा वैक्सीनेशन। 18 से 45 साल के लोगों से अपील करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे नजर आए। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ ना जुटाए, क्योंकि 1 मई से जिस महाअभियान की शुरुआत होने वाली है उसमें युवाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। 18 से 45 साल के लोगों से अपील करते हुए नजर आए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। और बड़ी खबर आपको बता दें एक और मुंबई से, जहां मुंबई के दादर में सुबह सुबह लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी है। दादर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। और आप तस्वीरें देखिए, दादर सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देखिए, लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। और स्थिति कितनी गंभीर है इस वक्त महाराष्ट्र की, लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। और इस वक्त दो रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, मनोहर और अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी फिलहाल आप किस हॉस्पिटल में मौजूद है, क्या कुछ स्थिति वहां की है, क्या वहां पर मरीजों को इलाज सही तरीके से दिया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है इस अस्पताल में? देखिए, नोएडा सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन लगातार आ रहा है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का एक टैंकर आता है तो 12 घंटे चलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। मेरे सामने ही तमाम अलग अलग जगहों से, आईनॉक्स से भी, जो सूरजपुर में प्लांट है वहाँ से भी ऑक्सीजन यहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लिक्विड के अलावा जो ऑक्सीजन, जो गैस होता है वो भी यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे कोविड के ऐसे मरीज हैं जो स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन लगाकर गलियारों में और अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं है। और जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे में बेड अवेलेबल करा पाना भी ये प्रशासन के लिए और हॉस्पिटल के लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी है। आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और तमाम जो लोग आपको दिखाई देंगे वो या तो जो बाहर बैठे हुए हैं वो कोविड मरीजों के जो अटेंडेंट हैं वो हैं। और आइए जरा इनसे पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति है और किसको लेकर यहाँ पर आए हैं, इनके परिजन हैं कौन है नहीं है। भाई साहब, क्या कोई कोविड के पेशेंट हैं आपके, कोविड के पेशेंट आए हैं आपके यहाँ पर? देखिए, ये जो परिजन है ये परेशान है कि जो लोग हैं अंदर इलाज हो पाए, देखिए स्थिति अस्पतालों के बाहर क्या है वो आपके माध्यम से देखिए लोगों तक भी पहुंच रही है। मनोहर का भी रुक कर लेते हैं। मनोहर, अभिषेक जहां पर मौजूद है वहां पर तो परिजन बाहर इंतजार ही कर रहे हैं, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति? देखिए, फिलहाल हम आरएमएल अस्पताल जो दिल्ली का राजधानी के अंदर नई दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर आप, मैं कैमरामैन जो सौरभ उनको कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। और ये आपातकालीन जो गेट बना हुआ है इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगाया है, बोर्ड पर साफ तौर से ये दर्शाया गया है कि आईसीयू बेड 0 है और ऑक्सीजन बेड भी 0 है इस हॉस्पिटल में। कहने का मतलब ये है कि कोई बेड खाली नहीं है। और लेकिन ऑक्सीजन की जहाँ तक बात की जाए कि जो बेड पर सप्लाई ज़रूर यहाँ पर सुचारू रूप से है, लेकिन जो लाइन में लगे हुए हैं जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, सेचुरेशन जिसका बहुत कम आ रहा है, उनके लिए किस तरीके से यहाँ प्रबंध किए गए वो अभी इस यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कतारें एम्बुलेंस की लंबी है। बिल्कुल मनोहर, आरएमएल और कैलाश हॉस्पिटल की तस्वीरें आप दोनों के जरिए हमने देखी कि यहाँ पर अभी भी इंतजाम पुख्ता नहीं है। आपका रुख करते रहेंगे फिलहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना से पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज का निधन हो गया है। 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे हाजी रियाज। बरेली के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाजी रियाज की बेटी रुकैया भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे हाजी रियाज, जिनका निधन हो चुका है। तो लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है।